चलिए शुरू करते हैं। मुफरदात में एक नई दवा पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम है मरवारीद। एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, सेकंड प्रॉफ मुफरद में भी और साथ में मुरक्कबात में भी, थर्ड प्रॉफ में जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें भी खमीरा मरवारीद और खमीरा सदफ, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो कुश्ता मरवारी भी यूज़ होता है तरीके इलाज में, बहुत सारी बीमारियों में कुश्ता भी खिलाते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वो थर्ड प्रॉफ की बात है, लेकिन सेकंड की बात करें तो मरवारी बतौर मुफरद दवा, सिंगल दवा आप अपनी क्लिनिक पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाती हैं। तो बात करें इसके अरबी जबान के लफ्ज़ की, मुतरादिफ अरबी, अरबी जबान में हम इसे लुलू कहते हैं। असल में लुलू का मतलब होता है मोती, अरबी में मोती को हम लुलू कहते हैं, तो अरबी जबान में इस दवा को मोती कहते हैं। और फारसी जबान जो लफ्ज़ है फारसी, इसे मरवारीद ही कहते हैं। फारसी में इसे मरवारीद कहते हैं। हिंदुस्तान में या हिंदी जबान में हम इसे मोती के नाम से मौसूम करते हैं, इसे मोती ही कहते हैं। ठीक है, अभी आपको माहियत पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आप देखकर बताएंगे कि हाँ इस चीज़ को तो हमने देखा है बहुत बार, नेशनल ज्योग्राफी पे आप लोगों ने देखा होगा सीप के अंदर से वो मोती इकट्ठे किए जाते हैं, वही बतौर दवान इस्तेमाल होते हैं। साइंटिफिक नेम की बात करें कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो ऑस्ट्रिया ऊस्टर से बना है, ऊस्टर शेल होती है, सीप जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रिया इडुलिस, इस तरीके की एक सीप होती है जो बीज से इस तरीके की होती है। जब इसे आप खोलकर वापस बीच में यहाँ चाकू या कोई और चीज़ डालकर, तेज नुकीली चीज़ डालकर जब इसे खोलते हैं तो ये सीप इस तरीके से खुल जाती है, ठीक है, और ऊपर ढेर सारे मेम्ब्रेन लगे होते हैं चिपके हुए इस तरीके के। जब आप इसे काटेंगे तो इसके अंदर से वाइट, सफ़ेद, पिंक, बैगनी, तीन कलर की मोतियां निकलती हैं जो कि बहुत ही चमकदार सफ़ेद होती हैं। इन्हीं को बतौर दवान इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं का नाम मरवारीद है, इन्हीं मोतियों का नाम मरवारीद है। ऑस्ट्रिया एडुलिस इसका साइंटिफिक नेम है। कॉमन नेम की बात करें आम जबान में या इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पर्ल, मोती। इसी मोती में बीच में अगर मशीन से छेद कर दी जाए तो मार्केट में इसकी माला, इस तरीके की मोतियों की बहुत सारी मालाएं बिकते हैं, ठीक है, जो कि महंगे कॉस्टली होते हैं, आर्टिफिशियल ओरिजिनल वाली बात हो रही है, तो इसे हम कहते हैं पर्ल। और इसे हम ऊस्टर यानी सीप, ऊस्टर पर्ल, सीप की मोती भी कहते हैं, ठीक है। ये है ऊस्टर पर्ल मोती या मरवारीद, सब लोगों ने देखा होगा, इसकी बहुत सारे मार्केट में इसकी चीजें अवेलेबल हैं, तो देखा है आप लोगों ने ऐसे मोती ओरिजिनल जो मरवारीद कहलाते हैं, जो बतौर दवान इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये कलर में अलग अलग चेंज है, ये पर्पल कलर है, ये गोल्डन, और जो अभी आपने पहले देखा वो वाइट कलर के हैं। इसका कुश्ता मार्केट में अवेलेबल है, मशहूर मुरक्कबात के तौर पर कुश्ता मरवारीद, यानी इस मोती को एक मिट्टी के बर्तन में रखकर जलाते हैं, उपलों से आँच देते हैं, और ये जलकर स्याह रंग के, काले रंग के हो जाते हैं, इनको निकाल कर पीस कर इसका इस्तेमाल कराते हैं। तो ये कुश्ता बनाने का तरीका आप थर्ड प्रॉफ में पढ़ते हैं, सैदला में कैसे कुश्ता तैयार करते हैं, तो इस दवा को जलाकर पीस कर इस्तेमाल करते हैं। देन कुश्ता सदफ मरवारीद, सदफ आपको पढ़ा दिया है, सदफ, खरमोहरा और मरवारीद, ये तीनों एक ही कैटेगरी की दवाएं हैं।
तो कुष्ता यानी जली हुई दवा है, सदफ, सदफ यानी सीप, सीप की ऊपरी जो शेल है उसको भी इस्तेमाल करें, प्लस मरवारीत को भी इस्तेमाल करें, इनके सच्चे मोती को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं बतौर दवान। ये देखिए इसका खमीरा आता है, खमीरा मरवारीद खास फॉर जनरल डिबिलिटी के लिए, यानी बहुत सारी चीज़ों के स्पेशली दिल के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग खमीरा मरवारीद। तो ये तो मशहूर मुरक्कबात हैं, इस पीडीएफ में थे इसलिए आपको यही समझा दिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ नई चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे हिस्सा मुस्तमिला की, क्या पार्ट यूज हो रहा है। तो आप सिंपली एग्जाम में या वाइवा में बता सकते हैं कि जो मोती है, सच्चे मोती भी इनको कहा जाता है, यानी ट्रू पर्ल्स। ये जो ट्रू पर्ल्स हैं, जो सच्चे मोती हैं, इन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे बतौर दवान। और मुद्दत हयात की बात की जाए कि कितनी इनकी हयात होती है, जिंदगी कितनी होती है, सही कितने दिन तक रहते हैं, तो असल में ये 5 से 10 साल तक सही रहते हैं, इनकी मुद्दत हयात 5 से 10 साल है। उसके बाद क्या होता है, ये कॉर्नर से टूटने लगते हैं, साइड से। आपके पास भी कई ऐसे मोती होंगे, देखा होगा, जो कॉर्नर से टूटते हैं, छोटे छोटे मिट्टी की तरह साइड से निकलने लगते हैं, वो टुकड़े हो जाते हैं उसके, तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होते, बहुत मजबूत नहीं होते, तो वो टूटने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो सेम इसी तरह ये दवा भी है, 5 साल 10 साल तक बेहतर रहती है, उसके बाद खराब होने लगती है। लेकिन जो इसकी शेल है, जो मैंने आपको बताया सीप सदफ, जो इसकी शेल है, ये बहुत तवील मुद्दत होती है, 30 से 40 साल। आपको बताया खरमोहरा, जो कौड़ी की तरह होता है, इस तरह आपको पढ़ाया था, इस तरीके से, जो लाल मोरंग या बालू, जब घर बनता है तो आप लोग देखे होंगे, जब ट्रक से बालू उतरता है तो उसके अंदर खरमोहरा इस तरीके की एक सीप नुमा, जिसे कौड़ी कहते हैं, वो जरूर आप लोगों ने देखा होगा बालू के अंदर, तो वो भी बहुत ज्यादा तवील मुद्दत तक सही रहती है, 30 से 40 साल तक सही रहती है। तो इसकी मुद्दत हयात जो हो गई वो है 5 से 10 साल। इसके मिजाज की बात करें, टेम्परामेंट क्या है इसका, इसका मिजाज है सर्द खुश्क, सर्द खुश्क। किस दर्जे में है, दोम यानी सेकंड दर्जे में सर्द खुश्क है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नफा खास की, यही आपका मेन पॉइंट है, नफा खास। अगर आपको इस दवा का नफा खास याद रहा तो क्लिनिक पे बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। मुकवी कल्ब, यानी ये एक ऐसी दवा है हमारे पास जो स्पेशली दिल के लिए इस्तेमाल की जाएगी, हार्ट के लिए, उसको ताकत देने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए ये दवा बहुत ही मुफीद है। ठीक है, माहियत ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सदफ जो कि मोती है, एक किस्म का मरवारी मोती है, जो सीप से निकलता है, सीप से निकलता है, और सीप यानी सदफ, हम इसको सदफ कहते हैं, सदफ उसके अंदर से निकलता है, और इसका रंग पिंक यानी गुलाबी, सफेद या बैंगनी रंग का होता है, और ये बहुत ही गोल और चिकने और बड़े साइज में, थोड़े से बड़े होते हैं, तो इन्हीं को हम बतौर दवान इस्तेमाल करते हैं। तो माहियत तो आप इमेज देखकर भी लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके फंक्शन की, इसके अफआल की, कि इस दवा के साथ जो नफा खास आप पढ़ रहे हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छी दवा है, वो साथ में और किन किन चीजों को अच्छा कर सकती है। दिल के लिए तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन साथ में और क्या क्या चीजें कर सकती है वो दवा। तो सबसे पहले मुकवी आजाए रईसा,
आजाए रईसा, यानी हर वाइटल ऑर्गन को जो बदन के अंदर है उन सब को ये ताकत देगी, उन सब को दुरुस्त करेगी। ठीक है, जितने भी वाइटल ऑर्गन, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इंस, लिवर, किडनी, सबको, ऐसे वाइटल ऑर्गन्स जो बहुत ज़रूरी हैं उनको ये बहुत बेहतरीन ताकत पहुंचाती है, उनके फंक्शन को बढ़ाती है, उनके काम करने में अगर उसमें कोई भी डिसेबिलिटी हो उसको दूर करती है। तो आम जिस्मानी चीज़ों को ये दुरुस्त करती है, इसलिए हम लोग इसका खमीरा इस्तेमाल करवाते हैं। कोई भी बूढ़े मरीज आए, दैट मीन्स 50-60, अगर डायबिटिक नहीं है तो उनके दिल, दिमाग, लिवर और किडनी, इन सब के लिए खमीरा मरवारीद खास उनको तजवीज़ किया जाता है कि वो खाएं। ठीक है, 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक इसको खा सकते हैं, और सुबह नहार मुंह खाएं तो बहुत बेहतरीन है। नहार मुंह ब्रश करने के बाद जब खिलाते हैं तो जबान पर रखते ही उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। ठीक है, तो इसके अफाल में सबसे पहला है मुकव्वी आज़ाए रईसा। अब एक और इसका बेहतरीन काम है, ये आँखों के लिए, बहुत ही मुफीद साबित होता है। तो जो लोग चश्मा लगाते हैं या उनकी आंखें दर्द करती हैं ज़्यादा देर तक पढ़ने में या मोबाइल से पढ़ने में या किताब पे देखने में, तो उसमें भी ये दवा इस्तेमाल की जाती है। मुकव्वी बसारत प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, मुकव्वी बसारत प्रॉपर्टीज। ठीक है, विजन को बहुत अच्छा करती है ये, साथ ही साथ हाबिसुद्दम, क्योंकि इसका मिजाज सर्द खुश्क है तो हाबिसुद्दम प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, और साथ ही साथ मुजफ्फिफ, ठंडी चीजें थोड़ी सी मुजफ्फिफ होती हैं तो ये मुजफ्फिफ प्रॉपर्टीज भी शो करती है। ठीक, अब हाबिसुद्दम होने के बिना पर, ऐसी फीमेल पेशेंट जो आपके क्लिनिक पे आएंगे जिनके मेंसेस प्रोलॉन्ग होते हैं, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, यानी ज़्यादा दिन आते हैं, स्पेशली 3 to 5 एवरेज है। ठीक है, 7 to 8, 9 चल रहे हैं, इतने डेज आ रहा है, प्रोलॉन्ग है, तो उसमें भी कम करने के लिए हम इस दवा को दे सकते हैं और भी दीगर दवाओं के साथ। तो ये दवा कसरते हैज़ में बहुत बेहतरीन काम करेगी। कसरत का मतलब ज्यादती, बहुत ज्यादा आना, तो कसरते हैज़ में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाबिसुद्दम प्रॉपर्टीज के बिना पर। अब इसी प्रॉपर्टीज के बिना पे अगर कोई इंसान उल्टी कर रहा हो, स्पेशली खून की, तो कै उद्दम, ठीक है, कै उद्दम, अगर उल्टी में उसके थोड़ा सा खून आ रहा है तो इसमें भी इस दवा को हम देते हैं ताकि इस चीज़ को वो दुरुस्त कर सके। ठीक है, प्लस नफसुद्दम, हाबसुद्दम प्रॉपर्टीज में अगर नफसुद्दम, नाक से खून आ रहा है, ठीक है, उसमें भी हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को पीआर ब्लीडिंग है, पर रेक्टल ब्लीडिंग, खूनी बवासीर, हेमोरॉइड्स यानी पाइल्स, तो इन सब चीज़ों में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लड के लिए, यानी उसको रोकती है, स्पाज्म करती है, वहाँ की कैपिलरीज को मुजफ्फिफ होती है, ड्राई करती है थोड़ा सा, ताकि ब्लड लॉस कम हो। ठीक है, और ये जो हाबिस प्रॉपर्टीज है, जो मुजफ्फिफ प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर काबिज प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा इसको सैलानुर रहम, यानी ल्यूकोरिया या यूटरस से किसी भी तरीके का लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें भी इस दवा को आप इस्तेमाल करते हैं, सैलानुर रहम में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को पेचिश हो रही है, दमवी इसहाल है, खूनी पेचिश हो रही है,
अमीबिक डिसेंट्री है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, कसरते हैज, कैउद्दम, नफसुद्दम, खूनी बवासीर, सैलानुर्रहम, दमवी इसहाल, इन सब में आप इसका कुश्ता इस्तेमाल करते हैं। जो कुश्ता की इमेज मैंने आपको दिखाई, कुश्ता, उसका आप इस्तेमाल करते हैं। यानी इस मोती को जलाकर पीस कर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बात और, इसी कुश्ता को, इस जले हुए पाउडर को अगर टिकिया बना दिया जाए तो उसका नाम कुर्स कुश्ता मरवारीद हो जाता है। सिर्फ कुर्स लफ्ज, जो कुर्स है वो टिकिया लफ्ज इसके आगे लिख दी जाती है। तो कुर्स लें या कुश्ता लें, दोनों एक ही चीज है। बस उसको, उस पाउडर को मशीन से दबाकर टिकिया की फॉर्म में बना दिया गया है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं हाबिज काबिज प्रॉपर्टी के लिए, मुजफ्फिफ के लिए और हाबिस सुद्दम के लिए। यहाँ तक समझ में आया? ब्लीडिंग डिसऑर्डर और डायरिया, डिसेंट्री, ल्यूकोरिया, इन सब चीजों के लिए। ठीक है, अब इसका एक बहुत बेहतरीन इस्तेमाल होता है कुश्ता का। इसके सिर्फ प्लेन कुश्ता इसका अगर मंगा लिया जाए मार्केट से थोड़ा सा, ठीक है, तो उस कुश्ता को स्किन पर, जिल्द पर किस चीज में घोल कर लगाते हैं? पानी हो या गुलाब जल, रोज वाटर हो, दोनों या किसी एक चीज में इसको मिक्स करते हैं। हथेली पर थोड़ा सा लिया और हथेली पर मिक्स करके इसको स्किन पर लगाते हैं। स्किन पर स्पेशली जहां पर कोई दाग धब्बा हो, फेस पर, अगर ये फेस है, ठीक है, ठीक, माथे पर, फोरहेड पर हो या फिर चीक पर, तो इस एरिया पर लगाकर उसको थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अमराज जिल्द में स्पेशली दाग धब्बों के लिए पानी या गुलाब जल, रोज वाटर में थोड़ा सा लेकर हथेली पर मिक्स करके उसको उस एरिया पर लगा दे और थोड़ी देर बाद धुल ले। ठीक है, तो इसकी लेपिंग या कोटिंग होती है, तो ये चेहरे में जिला बख्शता है, थोड़ी सी सफेदी कह लें या फिर उसकी चमक लाता है चेहरों की, जो स्किन का कलर होता है पूरा, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चले, नेक्स्ट बात करेंगे। अब जो बात होगी हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बीमारियों के लिए, अगर किसी का दिल कमजोर है, जोफे कल्ब, उसको इस्तेमाल कराइए। किसी को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, अफकान में इस्तेमाल कराइए। ठीक है, आईज के लिए बात करें, आंखों की कमजोरी के लिए मुकवी बसारत, चश्मिश लोग अगर आपकी क्लिनिक पे आए और कहें कि पूरा सर दर्द करता है पीछे तक और देखने में थोड़ी तकलीफ होती है, पढ़ते हैं तो आंख गड़ती है, ये लफ्ज यूज की जाते हैं, ज्यादातर लड़कियां यूज करती हैं कि आंख गड़ती है, ऐसा कोई चीज कि आंख धस रही हो, तो आप इसको दे सकते हैं, बेहतरीन काम करेगी ये। ठीक है, मुकवी बसारत के लिए। अब क्या देना है इन सब के लिए? इन सब के लिए आप कुश्ता भी दे सकते हैं, प्लस इसका खमीरा भी दे सकते हैं। तो खमीरा जो है उसमें बहुत सारी दवाएं और ऐड की जाती हैं, बहुत सारी दवाएं, 20 से 25 दवाएं और ऐड की जाती हैं, तो आप ये खमीरा दे सकते हैं इन इन चीजों के लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ के लिए? आई और हार्ट के लिए, इनके लिए आपको देना है खमीरा। तो खमीरा की डोज चेंज हो जाएगी, ये जो मैंने आपको 500 मिलीग्राम बताया है 1 ग्राम तक, वो कुश्ता की डोज है, मुफरत दवा की, जो कुश्ता की डोज है। अगर यही आपको टिकिया मिल जाए कुर्स, तो ये एक गोली या एक टिकिया हो जाएगी। अगर यही खमीरा हो जाए तो 5 से 7 ग्राम हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हर दवा की डोजिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है।
तो इसको याद करना पड़ेगा आपको, या जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आप सीख जाएंगे। कम से कम यहाँ नॉलेज है, तो जब आप क्लिनिक पे या कहीं भी प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप ये सीख जाएंगे कि किन किन दवा को कैसे देना है। चलो यहाँ तक समझ में आया, फिर से रिवाइज करा देते हैं एकदम क्विक। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कसरते हैज है, कैउद्दम है, नफसुद्दम है, खूनी बवासीर है, सैलानुर्रहम है, दमवी इसहाल है, इन सब में कुश्ता इस्तेमाल करना है 500 से 1 ग्राम तक, 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक कुश्ता इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर बता दिया आपको जोफे कल्ब, खफकान, इन सब में आप खमीरा दे सकते हैं, कुश्ता भी दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें 20 से 25 और दवाएं शामिल की गई हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन के लिए आपको बता दिया कि स्किन पे थोड़ा सा लेप लगाना है, जमात लगाना है, पानी के साथ मिक्स करिए, उसको स्किन पर लगाकर दाग धब्बों को दुरुस्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मुजिर की। मुजिर असरात इसके क्या क्या होंगे? तो चूंकि ये दवा थोड़ी सर्द है, ठंडी होती है, सर्द खुश्क होती है, तो जो गुर्दे हैं, जो किडनी हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुजिर असरात लाती है, उनको उसके अंदर खुश्की पैदा करती है, ठंडक पैदा करती है, तो उसको गुर्दों को क्या करेगी? गुर्दों के लिए मुजिर है गुर्दा को, ठीक है, और साथ ही साथ पूरे बदन में खुश्की लाती है, पूरे बदन में खुश्की पैदा करती है। लेकिन ये इतने बड़े साइड इफेक्ट नहीं है, इतना कोई खास असर इससे होता नहीं है, और ना ही गुर्दे के लिए। गुर्दे के लिए अगर जरा सा भी इफेक्ट आ रहा है तो शहद बतौर मुसले प्लस पानी, पानी इसको मिक्स करते हैं, मरीज को इस्तेमाल करते हैं खिलाने के बाद, दवा खिलाने के बाद ये दो चीज इस्तेमाल करा दीजिए, शहद पानी मिक्स करा के, तो गुर्दे का जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो फिट रहेगा, एकदम ठीक रहेगा, ठीक है। गुर्दा जो, देखिए जहां भी ब्लड ज्यादा जाता है, आप लोग उमूर तबिया में पढ़े होंगे कि जहां भी ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है वहां हरारत ज्यादा होगी कि कम होगी, बताएं? दिल की हरारत ज्यादा होगी, गुर्दे की हरारत ज्यादा होगी, या एकदम कम होगी, ठंडी होगी? ज्यादा होगी बिल्कुल। तो जहाँ ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है वहां पर थोड़ी सा हरारत या टेम्परेचर उनका थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो गुर्दा हमेशा फिल्टर करता रहता है ब्लड को, उससे जो भी टॉक्सिन है, जो भी चीजें हैं, यूरिया वगैरह सारी चीजें सब पेशाब वगैरह बनाकर बाहर करता है, तो यहाँ पर ब्लड बार बार आता है, तो इससे इसकी गर्मी बढ़ी रहती है। अब इसकी गर्मी को हम ठंडा कर दें तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर दवा ऐसी दे रहे हैं जो ठंडक पहुंचा रही है गुर्दे को, पेशाब के फिल्ट्रेशन को रोक रही है, तो ये सही तो है नहीं। तो उन्हीं चीज को दुरुस्त करने के लिए हमारे पास शहद है और पानी, इसको मिक्स करके मरीज को दे सकते हैं, ठीक है। ये इसका मुसले है, ये जो चीज मैंने आपको बताई वो मुसले है, बतौर करेक्टिव्स। करेक्टिव्स क्या होते हैं? जो साइड इफेक्ट को कम कर दें, दवा के साइड इफेक्ट को, मुजिर असरात को कम कर दें। तो ये था मुसले। बदल की बात कर लें, इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? अगर आपके पास मरवारीद नहीं मिल रहा है तो कहरबा, कहरबा बतौर सब्स्टिट्यूट आप ले सकते हैं, ठीक है, कहरबा। चलिए नेक्स्ट, आपको डोजेस बताई दिया है, 500 से 1 ग्राम तक कुश्ता, 5 से 7 ग्राम तक खमीरा। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लें तो इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा है, कैल्शियम बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ फास्फोरस प्लस फास्फेट, सल्फेट ग्रुप बहुत सारे इसमें हैं, आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है, साथ में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बहुत है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं, जो मिनरल्स
ओरिजिन की होती हैं स्पेशली। है तो ये एनिमल ओरिजिन की दवा, लेकिन इसके अंदर मिनरल्स भरपूर पाए जाते हैं, और यही बतौर दवान इस्तेमाल होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या कीमियावी अज्जा उसके अंदर यही पाया जाता है, और यही बदन के अंदर जाते हैं तो ताकत पहुंचाते हैं। लेकिन जब बात खमीरे की जाए तो उसमें बहुत सारी दवाएं ऐड की जाती हैं, तो वो सारी दवाएं मिलकर एक कंपाउंड ड्रग बन जाती हैं, और ये कंपाउंड और अच्छा काम करता है। इसीलिए दो से ज़्यादा दवाओं को ऐड करने की ज़रूरत पड़ी कि और अच्छा इफेक्ट पड़े। वो आप पढ़ते हैं तरकीब अदविया में, दवाओं को क्यों ऐड किया गया, क्यों बनाया गया, तो इस तरीके से। ठीक है, मशहूर मुरक्कबात आपको बता दिए, खमीरा, सदफ, खमीरा सदफ है, कुश्ता मरवारीद है, ठीक है, खमीरा मरवारीद भी है, खमीरा मरवारीद भी आपके पास है। इसकी गोली मार्केट में आती है हब्बे मरवारीद, इसकी गोली आती है हब्बे मरवारीद, और एक सफूफ आता है सफूफ मरवारीद। सफूफ मरवारीद उसमें शामिल होता है, लेकिन उसका नाम हाबिसुद्दम है, सफूफ हाबिसुद्दम। ठीक है, तो ये आपके हैं मशहूर मुरक्कबात जो आपको किसी भी कंपनी के मिल जाएंगे, आप मार्केट से मंगा सकते हैं, इसको अपनी क्लिनिक पे रख सकते हैं और इस्तेमाल करा सकते हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल मरवारीत के बारे में।